आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस वर्ड। पीजीडीसी के सेकेंड यूनिट का हम एमएस वर्ड का इक्वेशन एडिटर के बारे में हम जानेंगे। इक्वेशन एडिटर के बारे में आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा। ये एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में मिलेगा आपको, यहाँ पर लास्ट में इक्वेशन एडिटर, और इसका यूज किया जाता है मैथमेटिकल इक्वेशंस को टाइप करने के लिए। क्योंकि कीबोर्ड से हम अल्फाबेट और नंबर्स और कुछ स्पेशल सिंबल्स को टाइप कर पा रहे थे, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशंस को टाइप करने में बड़ी दिक्कत होती थी। उसके लिए एक नए फीचर को इम्प्लीमेंट किया गया था एमएस वर्ड में, जिसका नाम है इक्वेशन एडिटर, और ये आपको इंसर्ट टैब के रिबन पर मिलेगा। इंसर्ट टैब पर जाते ही आपको इक्वेशन एडिटर यहाँ पर दिख रहा है। इसपे आपको सारे इक्वेशंस को टाइप करने की फैसिलिटी मिलेगी। लगभग मैथमेटिकल सारे इक्वेशंस आप इसमें टाइप कर सकते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है आज हम देखेंगे प्रैक्टिकली। ये एमएस वर्ड का एक फीचर भी है, फीचर में इक्वेशन एडिटर के बारे में लिख सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड का फीचर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, या कहीं से कोई पूछता है, तो आप एक एडवांस फीचर के रूप में इसको बता सकते हैं कि एमएस वर्ड में इक्वेशन एडिटर है, जिससे हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को आसानी से टाइप कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। इसका यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना होगा, और यहाँ पर देखिए एमएस वर्ड या किसी भी इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में यूज करने का दो तरीका होता है। यहाँ पर देखिए छोटा सा एरो बना हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करिए या इसके ऊपर क्लिक करिए। देखिए दोनों ऑप्शन अलग अलग है। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ सेलेक्टेड एरिया आता है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अलग आएगा। तो मैं दोनों ऑप्शन को पहले आपको दिखाता हूँ। पहले आप अगर एरो पे क्लिक करते हैं नीचे, तो आपको कुछ यहाँ पर पहले से बने बनाए, देखिए बिल्ट इन पहले से बने बनाए कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं। ये कुछ ऐसे फॉर्मेट है जो लगभग सभी लोग यूज करते हैं, जैसे सर्कल वाला फॉर्मेट, और इस तरीके से कुछ थ्योरम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ सीरीज के थ्योरम्स दिए हुए हैं। तो ये कुछ कॉमन फॉर्मेट है जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। क्लियर है? अगर आप इन कॉमन फॉर्मेट्स को यूज करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, और यूज अपना खुद का एक इक्वेशन फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ये सिंबॉल के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको एक नई रिबन, यहाँ पर एक नई रिबन डिस्प्ले हो जाएगी, और यहाँ पर इसका एक कंट्रोल डिस्प्ले हो जाता है। देखिए एक नई रिबन जो थी पहले, डिजाइन वाली रिबन पहले नहीं दिख रही थी। मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ आपको। ये भी डिजाइन वाली जो रिबन है वो यहाँ पर नहीं दिख रही है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो दो तरीका है, आप इंसर्ट में जाइए, अगर आपको कुछ कॉमन फॉर्मेट यूज करने हैं तो ठीक है, और खुद का नया फॉर्मेट बनाना है तो आप इसके ऊपर पे क्लिक करेंगे, यहाँ सिंबॉल के ऊपर, तो यहाँ पर आपको एक नई रिबन आ जाएगी। देखिए नई रिबन आ गई, और यहाँ पर इसका एक कंट्रोल आ गया, यहाँ पे लिखा है टाइप इक्वेशन हियर। लेकिन यहाँ पर कुछ फॉर्मेट जो है पहले से लिखे हुए फॉर्मेट को ले रहा है, इसलिए पहले हम फॉर्मेट को क्लियर कर देते हैं, नहीं तो आपको वो अंडरलाइन जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पर ये अंडरलाइन और बोल्ड वाला जो फॉर्मेट है उसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ, मुझे खुद का इक्वेशन लिखना है, तो मैं इक्वेशन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे इक्वेशन के सिंबल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो और भी सिंबल्स आपको दिखाई देंगे। तो इनमें से आप बेसिक मैथ्स वगैरह के कुछ सिंबल्स यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा स्ट्रक्चर लिखना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। देखिए ये फॉर्मेट चाहिए, जो ब्लैंक है ना, इस टाइप से ब्लैंक वाला फॉर्मेट, मतलब वहां पर आप कुछ लिख सकते हैं। तो मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, मैं इस पे क्लिक किया, देखिए ऐसा फॉर्मेट आ गया। उसके बाद ये जो डब्बा दिख रहा है इसको आपको क्लिक करना है, ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर चाहिए 3 बाई 2 लिखने के लिए, देखिए यहाँ पर ये वाला फंक्शन यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर हम 3 बाई 2 ऐसा चाहिए कि ऐसा चाहिए कि ऐसा चाहिए कि ऐसा चाहिए, कैसा चाहिए, जैसे आपको ऐसा चाहिए आप इसको सेलेक्ट करिए। ये डब्बा 2 डिब्बे में बढ़ गया। अब यहाँ पर मैंने छोटे वाले डिब्बे ऊपर वाले डिब्बे को सेलेक्ट किया और 3 टाइप किया, यहाँ पर मैंने लिखा 2। अब यहाँ पर मुझे लिखना है एक्स, तो इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने लिखा एक्स, तो और बगल में क्लिक कर दिया। देखिए ये इक्वेशन आपका टाइप हो चुका है। इस तरीके से मैथमेटिकल बड़े बड़े इक्वेशंस को आप आसानी से टाइप कर सकते हैं। इंसर्ट में जाइए, इक्वेशन टाइप करने के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वेशन एडिटर में जाइए, और इस तरीके से बने बनाए इक्वेशन को भी आप टाइप कर सकते हैं। तो ये कुछ इक्वेशन के फॉर्मेट ऐसे हैं जो पहले से हम कॉमन फॉर्मेट यूज करते हैं, और आप अपना खुद का इक्वेशन बनाना चाहते हैं
यूजर डिफाइंड इक्वेशन यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं तो बहुत इजी है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर एरो पे तब क्लिक करेंगे जब कुछ कॉमन फॉर्मेट जो पहले से बने बनाए फॉर्मेट है इनको हम ऐसे यूज कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर e टू दी पावर r कर देता हूँ, e टू दी पावर 2। तो पहले से बने बनाए कुछ फॉर्मेट या टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर खुद का इक्वेशन अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है इस सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको डिस्प्ले करेंगे। आपको जिस प्रकार के इक्वेशन लेने हैं उस प्रकार के इक्वेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैं फिर से एक बार बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अंडर रूट वाला लिया और ये बीच में फिर क्लिक किया डब्बे में, देखिए डब्बे पर क्लिक कर दिया है। और इस तरीके का मैं समेशन वाला कुछ लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर समेशन ले लिया। यहाँ पर कुछ मैंने लिमिट दे दी i इक्वल टू 2 और यहाँ पर लिखा i इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से, या ये वाला लिखना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर लिमिट दे दिया। हालांकि इक्वेशन गलत है, मैं ऐसा टाइप करके बस आपको दिखा रहा हूँ कि हम किसी भी प्रकार से कोई भी इक्वेशन ऐसा टाइप कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एक इक्वेशन टाइप किया है जो कि नॉर्मल कीबोर्ड से टाइप करना बहुत मुश्किल है या किसी दूसरे टेक्स्ट एडिटर से टाइप करना बहुत मुश्किल है और टाइपराइटर से तो ये नामुमकिन जैसा ही है। टाइपराइटर में ये सब चीजें आप टाइप नहीं कर सकते। तो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पेपर होते थे टाइपराइटर से उनको टाइप नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पर टाइपराइटर जो है बिल्कुल 0% रिजल्ट देता था और एमएस वर्ड जो है उस पर अच्छे से वर्क करता है। तो टाइपराइटर के बदले कंप्यूटर में एमएस वर्ड यूज करना ज्यादा हमें बेनिफिट देगा। पहले जब टाइपराइटर हुआ करता था उस समय मैथमेटिक्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें प्रेस में मैथमेटिक्स के पेपर को छपवाने के लिए प्रेस में देना पड़ता था। वहां पर ऑफसेट प्रिंटिंग के थ्रू मैथमेटिक्स के पेपर छपे जाते थे जिसमें काफी समय पैसा और मेहनत भी लगती थी, जो अब ये काम हम एमएस वर्ड से काफी आसानी से कर सकते हैं और तुरंत इसकी मल्टीपल कॉपीज जो है प्रिंट निकल जाती है। क्लियर है? तो ये था हमारा इक्वेशन एडिटर, आज का जो हमारा टॉपिक था इक्वेशन एडिटर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।